कैसे हो सारे? अभी खाना बन चुका है, लेट ब्लॉग आज स्टार्ट किया मैंने। दिखाता हूँ मैं आज भी सुबह का खाना जो है। सारे बोल रहे होंगे यार ये कितना मछली चिकन खाते हैं, तो क्या करें भाई, वेस्ट बंगाल में ये सब ज़्यादा चलता है। तो आज फिर फिश बनाए और फिश के साथ यहाँ पे मिक्स वेज बनाए, दिखाता हूँ मैं चलो आपको। और बाकी ये मेरी दीदी बैठी है, बड़ी वाली दीदी, आपने देखा होगा वीडियो में, उठा नहीं जा, गोलू मोलू हो गया मैं खा खा के, जो बॉडी बनाई थी सारी खत्म कर ली शादी के चक्कर में। चलो मैं दिखाता हूँ आपको खाना। सबसे बड़ी दीदी देखो, सबसे बड़ी दीदी, उनके बाद ये है, और भी बहुत सारी दीदियाँ हैं पर वो गांव में रहते हैं। उसके बाद ये है, देखो सारे लगे हुए हैं। बाकी ये एक परंपरा था, उसके लिए लगाया था यहाँ पे। और बाकी ये देखो, ये बनी है फिश करी, और ये बना है मिक्स सब्जी, और ये बना है सुख तो नहीं बोलते हैं इसको, ये उच्छे के साथ बनता है, करेले के साथ बनता है, करेला है, बैंगन है, और मछली सीर, मछली का सर से बनाया है इसको। तो भाई तुम्हें ऑकवर्ड लग रहा होगा देख के क्या क्या बनाते हैं, पर भाई बहुत टेस्टी लगता है खाने में, सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है पर खाने में बहुत ही टेस्टी है। और पापा क्या कर रहे हैं? पापा कपड़े, हाँ ये इन्होंने बनाया है आज, आज की रेसिपी मम्मी ने बनाया है। कुछ कहना चाहते हो मम्मी? हाँ। आगे है कि आगे तो बोलो, कुछ नहीं बोलना, चलो ठीक है। बाकी देख रहे हो, बना दिया मेरे छोटी दामाद, बाकी सब तो ठीक है, मेरे छोटी दामाद आया, पर मम्मी ना बीच में थोड़ा गुस्सा हो गया था, तो पापा ने मम्मी को झूम के गिफ्ट करे, ये देखो देख रहे हो गुस्सा करने का फायदा, ये देखो मम्मी को झूम के गिफ्ट करे पापा ने। तो आपने देखा क्या खाना बन रहा है, और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं फोटो सिलेक्ट करने की, कौन कौन सी फोटोज हमने सिलेक्ट करवानी है और वीडियो में कौन कौन से सॉन्ग डलवाने हैं। तो ये लैपटॉप लेके निकल रहे हैं, चलो फिर जल्दी, बहुत जल्दी आपको सारी फोटोज और वीडियोज अपडेट कराएंगे, मजा आने वाला है बहुत ज़्यादा। चले जीजू, आज रात को मूवी का प्लान बना रहे थे पर घर पे थोड़ा फंक्शन चल रहा है तो मूवी नहीं देखने जाएंगे, देखते हैं खुद ही घर पे कुछ मस्त करते हैं। और कल भी एक तगड़ा चीज होने वाला है हमारे घर पे, उसकी भी व्लॉग आएगी, है कि नहीं, रिवील नहीं करेंगे, देखना सीधा वीडियो में। ये जो 57 सेक्टर है ना, इसके अलग ही मतलब बातचीत है, यहाँ पे रहने के बाद से ना अलग ही लाइफ हो गई है, मज़ा अलग ही है, हर चीज़ बहुत कंफर्टेबल है। हमने टेंट लगा रखा है पिछले 5-6 दिनों से, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, जैसे इसकी गलियाँ भले ही छोटी हैं पर इन गलियों में भी ना प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे होता है ना कि कोई बंदा आ रहा है जा रहा है तो बोल रहा है कि यार तुमने क्यों टेंट लगा रखा है। हमने पिछले 1 हफ्ते से टेंट लगा रखा है पर एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो बोलता है या फिर जो कि नोक झोंक कर रहा हो, सारे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही फैमिली की तरह मिलके रहते हैं। तो देखो जरूरी नहीं है कि तुम्हें बहुत हाई फाई सोसाइटी में रहना है, जरूरी ये है कि तुम कहाँ रह रहे हो और कैसे लोगों के साथ रह रहे हो। तो हम तो भाई 57 में रहते हैं और 57 सेक्टर तो कह सकते हैं एक नंबर, यहाँ के लोग भी, बोलना चाहते हो कुछ? सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ के लोग एक नंबर है। हमने इतने दिनों से टेंट लगा रखा है पर फिर भी बहुत कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे कल की बात है, बहुत बुरा लगा, किसी की डेथ हो गई थी तो हमारे को उन्होंने आके बोला कि गाने बंद कर दो, किसी की डेथ हुई है तो हमने गाने बंद कर दिए, और साथ ही में किसी का बर्थडे चल रहा था तो उसको भी बोला हमने जाके कि आप बंद कर दो, उन्होंने ही बोला हमें। मंदिर कमेटी वाले जो होते हैं वो हर चीज़ बहुत ध्यान रखते हैं हर चीज़ का, तो मंदिर कमेटी वाले ने, हर्ष के डैडी ने फ़ोन करके बोला स्पेशली कि आप, मतलब जीजू को बोला कि आप उनको बोल दो थोड़ा सा बंद कर दे, और हमने जाके उनको बोला कि आप गाना बंद कर दो, तो बड़े ही आराम से, जैसे होता है ना कि हाँ हमारे बच्चे का बर्थडे हम क्यों बंद करें, हमें क्या दिक्कत है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने बड़े ही प्यार से उसी टाइम पे गाना बंद कर दिया। तो हर एक सोसाइटी में ना ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई मिलजुल के रहो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो दूसरा समझे, अगर किसी का सेलिब्रेशन है तो दूसरा समझे, तो इसी से मज़ा आता है कि नहीं। तो चलो अब डायरेक्ट चलते हैं, देखते हैं कैसी फोटोज़ आई हैं देखने का। तो मैं खुद भी इस बार, मतलब पता लगता है ना जब अपने फैमिली में होता है, जीजू भी बोल रहे थे कि इन्होंने भी एक भी फोटो खींची नहीं अच्छी खासी, अपनी मोबाइल से एक भी फोटो मैंने नहीं, इतना तगड़ा फ़ोन रखा हुआ है, वन प्लस का सबसे खतरनाक फ़ोन लिया हुआ है जीजू ने, पर फिर भी मतलब नहीं खींच पाए क्योंकि क्या कर सकते हैं, अब वहाँ पे ना सारे बिजी थे, सारे ही लगे पड़े थे। तो चलो बहुत अच्छा शादी हुआ, सब ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि हाँ शादी का टेंट बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि डेकोरेशन सब कुछ कह सकते A1 है ना, सब कुछ बहुत अच्छा था, लड़के वालों की तरफ से भी और हमारे वाले तरफ से भी,
एक एक गेस्ट खुश होके गया है। और काफी लोग हैं जो शायद 7 तारीख को काफी शादियां थी तो नहीं आए, तो भाई तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया शादी में तुम नहीं आए। तो बाकी सिस्टर अभी घर पे ही है, बहुत ही खुश है वो भी, और हम भी सारे बहुत इंजॉय कर रहे हैं अभी भी। और चलो फोटोज देखते हैं अब डायरेक्ट। फोटोज़ वगैरह सेलेक्ट कर लिया है, अभी बर्गर खाते हुए चलो चलते हैं सीधा गाड़ी में और भांजा और भांजी को लेने जाना है अभी। तो हम फोटो कैमरामैन के पास गए थे और वहाँ पर आप सोच सकते हो कितनी फ़ोटोज़ हुई हैं टोटल। टोटल वहाँ पे 2000 से ऊपर ज़्यादा फ़ोटो हुई हैं। अभी हमारे को 1500 उन्होंने बोली और थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ उनकी इधर उधर हो रखी हैं, वो भी कलेक्ट करके वो बताएंगे। तो 2000 फ़ोटो में से हमें सेलेक्ट करनी है सिर्फ 300। बहुत मुश्किल काम है 300 फ़ोटो सेलेक्ट करना 2000 में से, पर चलो देखते हैं। बाकी सारी फ़ोटोज़ आ चुकी हैं हमारे पास और अभी यहाँ पे आए थे खाने कुछ, क्योंकि भांजा और भांजी को लेने आए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा उनके छुट्टी होने में, तो इसीलिए हम आ गए यहाँ पे बर्गर खाने, चीज़ बर्गर। और जीजू ने लिया डबल टिक्की बर्गर। चलो फिर बाकी भांजा भांजी को दिखाता हूँ, अभी मैं आएंगे वो स्कूल गए हुए हैं। हेलो बड़े मियाँ कहाँ हैं? कैसा रहा? चलो आ जाओ। ये है तरुण स्मार्ट बॉय बचपन से। हेलो कैसा रहा स्कूल? मस्त। चलो मूली बनाओ, खाना खिलाना सिखाओ। और क्या मूली सब कुछ खाना पड़ेगा। क्या बना है? कैसा लगा खाना? खाना अच्छा बना है? अच्छा लोग बन रहे हैं। अच्छा मतलब हम लोग तो घास भूसा सब खा जाते हैं। बंगाली सब खाते हैं। यानी कि मम्मी को जीजू ने हरा दिया खाना बनाने में है। मम्मी आपके खाने से ज्यादा अच्छा बोला है जीजू का खाना। खाना में तो वो जान है जो बंगाली आना जान बंगाली है। पर ये लोग सब मॉडर्न खाना ये लोग जो पसंद करते हैं ये सब आधे बंगाली है। ये देखो आज रिम्पी जी ने कितना बड़ा सर लिया मछली का खाने के लिए। खा लोगे रिम्पी? टास्क कंप्लीट करना है कैसे भी। चलो मेरे को इधर ही दे दो खाना रिम्पी। चलो शिवम तो नहीं खा रहा ना। मेरे जो ट्विंस भांजे हैं उनमें से एक जो है वेजिटेरियन है, एक नॉन वेज खाता है। वेजिटेरियन वाला तो साथ बैठ के खाता भी नहीं है। ये देखो ये छोटे वाला खा लेता है पर बड़े वाला नहीं खाता। पुष्पा राज जी जो आज क्या खा रहे हैं? मछली का पूछ खा रहे हैं। एक बार कर दो जरा, झुकना नहीं है। ये दादा कैसा बनाया खाना आज? बहुत बढ़िया। इतने दिनों से आप बना रहे थे आज मम्मी ने बनाया। बहुत टेस्टी है। जीजा बोल रहे इनके हाथ में पैसा आता है तो पैसा बढ़ जाता है। हमने मम्मी ने गिना मैंने गिना। किसी को भी नोट अगर बढ़वाना हो तो इनसे पैसा गिनवा लेना, एक नोट बढ़ जाएगा।